अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने कल जो लेक्चर वन देख लिया था, होप आप लोगों ने वहाँ से बेनिफिट उठा लिया होगा। तो हम आज नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, यानी कि लेक्चर नंबर टू की तरफ चल रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। तो कैपेबिलिटीज़ कौन सी होंगी, हम उस पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसकी कौन कौन सी होंगी। लेट्स सी, हम चलते हैं उनके जो कैपेबिलिटीज़ की तरफ। ठीक है, कैपेबिलिटीज़ ये हमने इनलिस्ट की हैं, जैसे है स्पीड है, रिपीटेशंस है, एक्यूरेसी है, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन है, सेल्फ चेकिंग है और सेल्फ ऑपरेटिंग। ये सारी क्या हैं, इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी कि ये इनके थ्रू सारा काम कंप्लीट, ये सारी इनलिस्ट हैं, इनके वे से कंप्यूटर जो भी काम होगा उसको परफॉर्म करने करता रहेगा। ठीक है, तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्पीड, स्पीड अगर हम देखें तो कंप्यूटर इतनी स्पीड से डेटा को प्रोसेस करता है कि आप लोगों उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि विद इन मिली सेकेंड्स में जो डेटा होगी उसको ये परफॉर्म करेगा स्पीड के थ्रू। जैसे मशीन डिज़ाइन परफॉर्म सिमिलर, जो भी टास्क होगा उसको सेम वे से वो प्रोसेस करता रहेगा, लेकिन वो बार बार वंस अगेन करता जाएगा, क्योंकि जो बाइनरी नंबर्स हैं हर एक जो वर्क टास्क होगा उसको डिफरेंट वे से उसको कंप्लीट करने के लिए स्पीड वहाँ पे यूज़ करें। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें स्पीड, तो जैसे स्पीड कहते हैं कि हम रैम से बढ़ाते हैं, ये भी बात है कि रैम और प्रोसेसर सारा काम मिलके स्पीड सिस्टम की बढ़ा लेते हैं। उसके बाद है रिपीटेशंस। अगर हम बात करें रिपीटेशंस मीन्स जो भी काम होगा वो रिपीट करेगा डायरेक्टली, यानी कि रिपीट वो काम दोबारा से स्टार्ट करेगा, ऐसे हम कहते हैं रिपीटेशंस। ये मिलियन ऑपरेशंस एग्जैक्टली टाइम में यानी कि कंप्लीट करता है जो भी काम होगा उसका। इट मीन्स के जो उसकी परफॉर्मेंस होगी उस पर कोई भी इन्फेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली सारा काम कंप्लीट करता जाएगा। उसके बाद है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स के जो भी काम हम या टास्क देते हैं प्रोसेस करने के लिए, तो वो डायरेक्टली हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि जितनी भी आप डेटा देंगे उसको प्रॉपर वे से एक्यूरेसी से आपको रिजल्ट वापस देता जाएगा। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस मीन्स डिसीशन बेस्ड होती हैं ये, कि अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड अप्लाई करते हैं, अगर रॉन्ग पासवर्ड होता है तो आप लोगों को मैसेज आ जाता है कि ये आपने जो पासवर्ड इनपुट दिया है वो रॉन्ग है। इट मीन्स वो लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे आगे हम सीखेंगे लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, लॉजिकल ऑपरेशंस वो होते हैं जैसे एंड आर नॉट, यानी कि ये ऑपरेशंस हैं तीन जिनकी मदद से जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जो लॉजिक्स परफॉर्म होते हैं इन थ्रू तीन लॉजिकल ऑपरेशंस के विद हेल्प ऑफ काम परफॉर्म, वो टास्क जितना भी होगा उसको कंप्लीट करेगा कंप्यूटर। ठीक है, तो कौन से हैं, एंड आर नॉट, एंड आर नॉट ये तीन लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो लॉजिक्स जनरेट करके उसको परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं टास्क को। स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन, स्टोर जैसे आप लोगों को पता है कि स्टोर सिस्टम करता है टू वे से, एक तो हम बात करते हैं रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है हमारा जो जिसमें हम स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क। अगर हम बात करें प्रोसेसर, तो वहाँ पे भी लिटिल बिटिल टाइम यानी कि थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे डेटा स्टोर होती है विन द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं डेटा को तो वहीं पे ही स्टोर की जाती है और डायरेक्टली वो रिकॉल करते हैं, जैसे रिसाइकल बिन होती है या हमारा कैशे मेमोरी होती है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन दोबारा से उठा लेता है कंप्यूटर। यानी कि कैशे मेमोरी में जो भी डेटा हम ओपन करते हैं, कोई भी फाइल, वो वहाँ से भी डायरेक्टली ओपन, जो भी टास्क होगा वहाँ से ओपन, यानी कि अगर हम सॉफ्टवेयर ओपन किया है तो दोबारा से वहाँ से वो ओपन हो जाता है, यानी कि डायरेक्टली विद इन के हम जाएं वहाँ से तो सिस्टम वहाँ से उसको उठा लेता है अगर कैशे में है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ चेकिंग। सेल्फ चेकिंग सिस्टम वो जो भी वर्क होगा वो सेल्फ चेकिंग करता है कि वेरीफाइज करता है कि ये आया कि कितनी उसकी सेल्फ चेकिंग, ये नहीं कि उसको करेक्ट करना है। सेल्फ चेकिंग मीन्स कि उसको कितने टाइम में परफॉर्म करके टास्क को वापस भेजना है, यानी कि प्रोसेस करके जैसे डेटा आई उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमने पे वापस भेजना है, तो ये सेल्फ चेकिंग होती है। सेल्फ ऑपरेटिंग
मीन्स जब कंप्यूटर खुद उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं तो उनके लिए सेल्फ ऑपरेटिंग, यानी कि खुद ऑपरेट करता है। अगर आप टास्क कोई भी देते हैं तो खुद वो सॉफ्टवेयर उसके थ्रू वो काम परफॉर्म हो, जैसे आप एमएस ऑफिस में कुछ भी टाइप करते हैं तो वो सेल्फ ऑपरेट करता है कि उसमें वो टाइप होता जाए कीबोर्ड की मदद से। ये उसका सेल्फ ऑपरेटिंग टास्क होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कल असाइनमेंट्स दी थी, तो आज भी एक असाइनमेंट है आप लोगों को, लिमिटेशंस कंप्यूटर की फाइंड आउट करनी है। ये आप लोगों के इस टेक्स्ट बुक में भी हैं, वहाँ से आप लोग उठा सकते हैं। तो ये थे कुछ लिटिल बिटल, हम बेसिक के थ्रू हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसके बाद हिस्ट्री भी अभी देखेंगे हम। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा सीखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जाएँ, यानी कि सिंसॉफ्ट स्टूडियो भी। थैंक यू।